हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जामपुर परिवार में। हम है कलम से क्रांति, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जिससे कि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइए, जरा हम भी देख लेते हैं कि कौन कौन बच्चा क्लास में पधार चुका है। आइए पधारिए, पधारो मारे देश, राजस्थानी में ऐसा बोलते हैं ना, पधारो मारो देश। हाँ चलिए फटाफट फटाफट आइए, एक बार जरा देख लेते हैं। अरे हमारी क्लास कहाँ गई, ओके हाँ ये आ गया। हाँ पहले एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। चलो ये अब दिख रहे हैं मुझे सबके कमेंट्स। सिया चंडेल, महजुबीन खातून, अर्णब गोस्वामी, अश्विनी थापड़े, वाओ नाइस नेम। एडमिन यादव भाई, आपका नाम ही एडमिन है, गजब है। प्रीति गुप्ता, दिलशाद गार्डन और भावना, तनु वाजपेयी, नेहा, एडमिन यादव, अभिरंजन, श्रद्धा, नेहा, दिलशाद, चार बुंदो वाला, उजाला, प्रिया, साखी, ताखी, माखी, चलो जो भी हैं आप। ओके चलो स्टार्ट करें अब कहानी यहां से। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई, सुनाई, पढ़ाई दिखाई थी, तो आज उसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, एकदम पूरे जोश और जज्बे के साथ आज की क्लास हम करते हैं यहां से शुरू, शुभारंभ किया जाए। तो बच्चों बताओ, तैयार हो, हाँ कि ना? बेटा आज जितनी भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, जितनी भी चीजें कल भी क्लास में मैंने सबको जो भी बताया था आपको, बहुत ही धासु, बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट थे, जिसमें कि मैंने आपको राजीव सर का बहुत ही अच्छा शानदार एग्जाम्पल दे करके बताया था कि किस तरीके से वो मैरिड हो जाते हैं तो उनके, समझ रहे हो, उनके पड़ोस में आती है नई पड़ोसन, पूरा एक कहानी की तरह बताया था, राइट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसने एडजेक्टिव की डे वन वाली क्लास नहीं देखी है, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वो जरूर देखिए, बहुत कुछ वहां पे आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है जरूर उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि सर आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप स्माइल करते हुए पढ़ाइए। मुझे पता है कि वो दिल रखने के लिए कहते हैं, वरना ये बैगन सी शक्ल का किसको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, हाँ ये है कि मैं भैया ब्रश डेली करता हूं, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो बात सिखाई थी वहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जो कि आज नया आया है, उसको नहीं पता हमारी टीम के बारे में या हमारी मैराथन क्लासेस के बारे में, तो मैं उसको जरूर ये चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। आज यानी कि 16 फरवरी आज रात 10 बजे आपके प्यारे फेवरेट टीचर कौन, हमारे रीजनिंग वाले सर, ठीक है, यानी कि संदीप सर, संदीप सर आज लेकर के आ रहे हैं बहुत ही शानदार मैराथन क्लास। मैं ये देखता हूं कि सबसे ज्यादा प्यार जो है ना, आप लोग पार्शियलिटी बहुत करते हो, आप लोगों के फेवरेट सर संदीप सर ही हैं, है ना, बहुत पार्शियलिटी करते हो कि आप जो है कहते हैं सर जी हमें तो सिर्फ संदीप सर ही बहुत पसंद है, बाकी तो पानी कम है, है ना। तो संदीप सर इनकी क्लास 16 फरवरी यानी आज रात 10 बजे स्टार्ट होगी बच्चे, तो कोई भी बच्चा इस क्लास को मिस बिल्कुल ना करे, गलती बिल्कुल ना करे, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, कसम हमारे एडिटर की, बहुत ही गजब की क्लास होगी बच्चों, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करे, ठीक है। और आज हमारे एडिटर भी अलग है, नए हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आज जो है आप लोगों को मैं ये कसमें वादे कम दूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को यहां से। ये हमारी पूरी एसिक की टीम है, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं हमारे प्यारे महिपाल सर, जो कि महिपाल सर जिनकी क्लास होती है 4 बजे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, फिर नैन्सी मैम ब्यूटी विद ब्रेन 5 बजे क्लास होती है। ये हमारे आरएम सर, कुछ बच्चे इनको आरएम सर बुलाते हैं प्यार से, संदीप मिश्रा सर, जिनका हमने कल एग्जाम लेकर के धो धो के पटका था, और इन्होंने फिर बाद में कहा था कि सबका बदला लिया जाएगा, सर जी रुक जाइए हम भी आपका एग्जाम्पल लेंगे, बहुत रोस्ट करता हूं मैं इनको और ये मुझको। फिर आते हैं संदीप सर, आर के महतो सर, और फिर लास्ट में मनीष गुप्ता सर। ये लास्ट में कुछ लिखा था, हाँ चलो देख लेते हैं। ये यहाँ पे पहले, सबसे पहले आते हैं राजीव सर सुबह 6 बजे, उसके बाद ये कुछ लिखा है यहाँ पे, डैशिंग एंड स्मार्ट हैंडसम आर के महतो सर, कुछ ऐसे कुछ लिखा है यहाँ। तो 7 बजे मेरी क्लास होती है, सुबह की क्लास बिल्कुल भी लेना मत भूलना, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, जो भी चीज मैंने पढ़ा दी थी एक बार इसको फटाफट रिवाइज करवा दूं। मैंने आप लोगों को बच्चों ये कहा था कि इसमें एडजेक्टिव ढूंढ के बताओ, आप लोगों ने पूरी कोशिश करी और कुल मिलाकर के 3.5 एडजेक्टिव ढूंढे थे आप लोगों ने, ठीक है। अब इससे 3.5 क्या होता है, एक में डाउट था ना आप लोगों को, इसलिए 3.5 बोला, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि भाई एडजेक्टिव को ढूंढने के 2 तरीके होते हैं, एक तो वो होता है कि भाई आप जो है सेंटेंस के अंदर ऐसा कोई भी वर्ड पकड़ लो जो कि किसी को मतलब क्वालिफाई करे, ठीक,
किसी को क्वालिफाई करे, किसी की विशेषता बताए, राइट। इस चीज को आप आते जाओ बेटा, आते जाओ, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं आप सभी के कमेंट्स देखता हूं। एक सेकेंड, कहां चला गया, ठीक है अब आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि श्रुति बहुत खूबसूरत है, ठीक है, तो यहां पे श्रुति इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल होना क्या हुआ, उसकी विशेषता हुई, एडजेक्टिव हुआ उसका, राइट। इसके अलावा जैसे अगर मैं कहता हूं आदित्य का एग्जांपल लिया, जैसे आदित्य बहुत ही ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट होना उसकी विशेषता हुई। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, जैसे कि मैं अगली हूं तो अगली होना भी एक विशेषता होती है, वो टॉल है तो टॉल होना भी एक विशेषता होती है। मेरी बात क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि एक तो हो गया डायरेक्टली किसी को क्वालिफाई करना, यानी कि उसके बारे में कुछ अच्छी बात बुरी बात बताना। दूसरा होता है एनीथिंग दैट कम्स जस्ट बिफोर अ नाउन, ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन से जस्ट पहले आता है बेटा इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि नाउन से जस्ट पहले कोई भी शब्द आ जाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, एक्सेप्शन इन चार को छोड़ करके, क्या क्या, ये चार छोड़ के। लेकिन सर इसकी डिटेल बताओ, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, अभी इसको मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा वरना पूरी क्लास मुझे पीछे ले जानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि फ्रेंड नाउन है तो हिज एडजेक्टिव है सॉन्ग नाउन है, दिस एडजेक्टिव है चाइल्ड नाउन है, एवरी एडजेक्टिव है मेंबर नाउन है, नो एडजेक्टिव है फ्रेंड नाउन है, माई एडजेक्टिव है कॉइन नाउन है, सम एडजेक्टिव है अंकल नाउन है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, हर एडजेक्टिव है, पॉकेट नाउन है, हिज एडजेक्टिव है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने कई सारे आपको बता दिए थे, राइट, ओके। अब इसके आगे बढ़े थे हम, तो इसके आगे मैंने आपको इसके एग्जाम्पल सारे ले लेकर के बताए थे कि किस तरीके से जो नाउन होता है ये होता है हस्बैंड, नाउन मतलब होता है हस्बैंड और एडजेक्टिव होती है उसकी वाइफ यानी कि वाईफाई, राइट। नाउन से पहले आती है हमेशा, लड़की आगे होती है ना बॉयज से, राइट, तो लड़कियां आगे होती है, वाइफ आगे होती है, भगवानों में भी बचे नहीं है, राधे कृष्ण गौरी शंकर सीताराम, राइट। काजू मीन्स भी लिखा करो साथ में, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है बेटा, मैं समझ नहीं पाया कि आपने ऐसा क्या लिखा जो सारे हंसने लग गए, ठीक है। आई एम अपोस्टल, हाँ बेटा तुम ही हो अपोस्टल, तुम बेटा मेरे ही द्वारा पढ़ाए गए वो कैप से मेरी ही क्लास में उधम मचाते हो, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। इससे पता चलता है कि जो बाकी बच्चों ने क्लास नहीं ली होती है ना, हाँ जो बाकी बच्चों ने क्लास नहीं ली होती है वो परेशान रहते हैं कि सर इसका मतलब क्या था, ठीक है, तो बाकी बच्चे भी क्लास जरूर लिया करो, ठीक। चलिए आ जाओ बेटा, नेहा नैन्सी अर्नब सरनब धर्नब, ठीक है, हितेशी संजू संजना पाल और प्रियांशी शर्मा और कंचना, चलो सारे आ गए। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था, उसके बाद आपको ये भी बताया था कि जब हमारे पास एडजेक्टिव जरूरी होता है तब तो वो पीछे आ जाता है नाउन के, और जब एडजेक्टिव जरूरी नहीं होता, जब ये निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट होता है तो यहाँ पे सेंटेंस के आगे ही रहेगा, मतलब नाउन के आगे ही रहेगा, पीछे नहीं आएगा। ये सारी बात हो गई थी, उसके अकॉर्डिंग बेटा आपका जो ये सेंटेंस था ये हमने क्लियर करवा दिया था, राइट, बोलो यस। तो महाराणा प्रताप वॉज द किंग फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, तो यहां से उठ करके लगा दो यहाँ पे, डन। और आगे बढ़ते हैं, My all student started shouting when I went out. देखो यहां पे बच्चे मैं एडजेक्टिव को उसके तरीके से जैसे प्रोनाउन पढ़ाया था उसके तरीके से वन बाई वन लेकर के नहीं चल रहा, क्योंकि प्रोनाउन के अंदर ही मैंने आपको 90% एडजेक्टिव वहां कराया था। अगर आपने प्रोनाउन की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने प्रोनाउन की मैराथन यानी कि जो मैंने वैलेंटाइन डे वाले दिन, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, अच्छा आप मुझसे कौन कौन प्यार करता है एक बार कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए 14 फरवरी को क्लास लेकर के आया था, यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आया था, मेरा प्यार आप लोगों के लिए अटूट है, ठीक है, लव यू ऑल। तो देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 14 फरवरी को रात के 8 बजे ना, हाँ 8 से 12 ये मैंने एक बहुत ही शानदार क्लास ली थी जिसमें कि प्रोनाउन को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा खत्म कर दिया था, तो पूरा का पूरा मैंने वहां पे खत्म कर दिया था बच्चे। तो उस क्लास में मैंने आपको ये सारी बात पढ़ाई थी कि भैया पॉजिटिव नाउन होता है तो एडजेक्टिव भी होता है। लव यू बेटा, लव यू है, लव यू लव यू लव यू। पानी पी लीजिए सर, देखो कितनी केयर कर रही है, कौन है ये, पूजा सरकार, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। वो खांसी आ गई तो कह रहे सर पानी पी लीजिए, आई लव यू मास्टर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू ऑल, ठीक है, आई लव यू कंचना सचिन अभिरंजन प्रवीण प्रिया ताकि श्रुति श्रुति ओके दिलशाद राजू सरकार सॉरी श्रीवास्तव, चलो एक्सवाइडेड सारे सारे सारे, ठीक है, प्रियांशी शर्मा सभी लोग, ठीक है। अब सुनो आगे की बात सुनो, तो मैंने आपको ये बताया था कि पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ाया तो साथ में एडजेक्टिव भी पढ़ाया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ाया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाया, राइट, एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन पढ़ाया, एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव पढ़ाया। वो क्लास ले लेना, आपको आगे की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद बेटा रोमियो जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे देखो, सेकंड है माय ऑल स्टूडेंट्स स्टार्टेड शाउटिंग व्हेन आई वेंट आउट। देखो मेरे जितने स्टूडेंट थे वो सारे के सारे बिल्कुल सारे छपरी गैंग, तो ये बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ए सर जी तो क्लास में नहीं है, शोर मचाओ, तो ये वाला इनका काम चालू हो गया। तो ऐसे में अब क्या करेंगे, इन सभी बच्चों को पकड़ के यहीं पटक के मारेंगे, ठीक है। तो इसका देखो सही जवाब क्या होगा, कहां बताएं आपको, इसके नीचे ले लेते हैं एग्जांपल यहां पे। चले शुरू करते हैं, कल यहां जहां तक किया था आज उसके आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, देखो माई वाला जो शब्द है, माई वाला जो शब्द है वो अपने आप में ही पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। ये मैं मान करके चल रहा हूं कि आपने वो क्लास काफी हद तक देखी है, या नहीं भी देखी तो हल्का फुल्का याद है आपको। देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आपका ये जो ऑल यानी कि जो क्वांटिटी यानी कि जो आपके नंबर्स बताता है इंडेफिनेट, ये इसके बाद नहीं आता कभी भी, ठीक है। ये इसके बाद नहीं आता, ये आगे रखा करो हमेशा, ऑल के बाद ही रखा करो, ऑल के बाद ही इसको रखा जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव को ऑल के बाद। जैसे कि अब ये सब पहले तो बता दो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, राइट, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है बच्चे, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। वैसे मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया था, बाकी अगर भूल गए थोड़ा सा भी तो मैं एक आखिरी बार दोबारा बता देता हूं, अब मत भूलना, ठीक है। देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, सभी लोग लिख लीजिएगा, माय, योर, हिज, हर, आर, देयर और इट्स, ये सब ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना बच्चे, इन सबको कहते हैं क्या, इन सबको कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। याद रखना ये दिखने में थोड़े थोड़े प्रोनाउन जैसे लगते हैं, ठीक है, दिखने में प्रोनाउन जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं है, ठीक है। ये दिखने में प्रोनाउन जैसे लगते हैं लेकिन ये होते नहीं है प्रोनाउन, याद रखना। जैसे कि चाइनीज और जापानी, ठीक है, ये दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन, यहां तक कि चिंगचोंग चुंगचुंग वो भी बोलते हैं लेकिन है ना अलग अलग दोनों के दोनों, ठीक है कि नहीं अलग। उसी तरीके से ये प्रोनाउन एडजेक्टिव लगते हैं सेम लेकिन होते अलग है, ये एडजेक्टिव होता है पूरा का पूरा, ठीक है, प्रोनाउन अलग है, ये अलग है। तो हम जो बोलते हैं ना माई ऑल स्टूडेंट्स, My all friends, my all books, his all books, ठीक है, my all girlfriends, sorry, ठीक है। तो ऐसा गलत होता है, पहले लगाओ all, उसके बाद इसको लगाओ। अब आपका क्वेश्चन पढ़ो, अरे कहां गया, ये रहा क्वेश्चन। देखो my पहले लिखा है, इसको हटाओ ना, फिर my all नहीं होगा, क्या लिखेंगे, all my, क्या होगा बच्चे, all my, डन डन डन। एक बार कॉमेंट करके बताओ क्लियर हुआ, yes or no? हम बंगाली सबसे अलग दिखते हैं, अच्छा, तारा तारी, ये लो बेटा बंगाली में बोलते हैं आपके लिए। मेरी क्लास में ज्यादातर बच्चे या तो झारखंड या तो वेस्ट बंगाल या तो मध्य प्रदेश, यहां से बच्चे ज्यादा जुड़ते हैं, है? दिल्ली वालों कब खून खोलेगा रे तुम्हारा, दिल्ली हरियाणा, सबसे ज्यादा मैंने हरियाणा में पढ़ाया, राजस्थान में पढ़ाया, तुम्हारा खोल कब खुनेगा, क्या बोलते हैं भैया, खून कब खोलेगा, सॉरी। चलो क्लियर सर, क्लियर हो जाए तो बस एक बार थंब दिखा दो, एक बार ये ठेंगा दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा क्लियर है। और ऐसा अगर कोई भी प्राणी अभी क्लास ले रहा है मेरी, जो सिर्फ क्लास अटेंड कर रहा है खिड़की पे बैठ करके, लेकिन ना ही सर हम लाइक करेंगे ना ही शेयर करेंगे, और कमेंट करने के तो हम 5 रुपए लेंगे, तो ऐसा अगर कोई बच्चा बैठा है तो बेटा कमेंट करके एक बार बस अपनी प्रेजेंस दर्ज करा दो, ठीक है, कि मैं बस देख लूं कि हाँ जी आप लोग भी जिंदा हैं, ठीक है, आप लोग भी क्लास देख रहे हैं। मैंने देखा है कई ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में आते तो है, पूरी क्लास भी देखते हैं, लेकिन वो बच्चा कमेंट नहीं करेगा, जैसे कि कमेंट कर दिया तो एक्सपोज हो जाएगा कि भाई साहब देखो मैं कितनी सुंदर, मेरा है ना, कमेंट कर दिया मैंने, गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, द हायर यू गो द कोल्डेस्ट यू फील। अच्छे, जैसे हम बोलते हैं ना कि जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा ऊंचाइयों को हासिल करोगे, उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे, या एक आपने सुना होगा एक डायलॉग बॉर्डर मूवी का कि जितना ज्यादा मतलब प्रैक्टिस में जितना ज्यादा पसीना बहाओगे वॉर में उतना ही कम खून बहेगा, ठीक है, ये आपने सुना होगा। तो इस तरीके से द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यहां पर गलती कहां है, गलती कहां है अभी बताते हैं। लाइक तो कर दिया, शेयर किसको करें, अच्छा शेयर एक काम करो मुझे ही शेयर कर दो, ठीक है मुझे ही शेयर कर दो। अरे पगली एक बात बताओ, वैसे तो आपके 50-50 दोस्त होते हैं, नहीं वैसे तो आप लोगों के 50 दोस्त होते हैं, लेकिन जब बात शेयर की आती है तो सर मेरा तो कोई दोस्ती नहीं है, कमाल है, मेरा तो कोई दोस्ती नहीं है। अबे क्या तुम वहां बाबा बन के रहते हो क्या, हिमालय पर्वत पर जो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है,
कोई तो होगा है यार, दोस्त भाई बंधु निब्बा निब्बी कोई तो होगा, शेयर करो उसे, या हमारे एडिटर को शेयर कर दो, यही कर देंगे आगे शेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ऐसा जो आपके पास सेंटेंस आता है ना, मैं आपको करके दिखाता हूं सेंटेंस, यहां पे ध्यान से सुनो, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, सारे लोग जल्दी से नोट करना, सभी बच्चे। एक करके दिखाता हूं, द मोर यू डू एफर्ट्स द बेस्ट यू गेट, ठीक है। जितना ज्यादा एफर्ट्स दोगे, जितना ज्यादा एफर्ट्स करोगे, उतना ही आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है, उतना ही आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलो, ये बंदर मत बना बेटा, ये एक बच्ची अपनी शक्ल बना के भेज रहे, बंदर क्यों बना के भेज रहे, अपनी दोस्त को कह रहे तू बंदर है। अरे तुम क्या गांजा फूक के आती हो क्या सारी लड़कियां, है कहां पढ़ाई की बात नहीं करोगे, फालतू की बात है कितनी करा लो। द मोर यू डू एफर्ट्स द बेस्ट यू गेट। देखो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास बच्चे द के साथ एडजेक्टिव को जोड़ा जा रहा हो, क्या बोला मैंने, द के साथ आपके पास एडजेक्टिव आ रहा है और उसी सेंटेंस में दोबारा से द के साथ एडजेक्टिव आ रहा है, द प्लस एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं पूजा सरकार, अभी मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, समझा लेने दो, ठीक है, कॉपी पेस्ट मार देना, थोड़ी देर बाद मैं फिर पढ़ लूंगा। द के साथ एडजेक्टिव और फिर से द के साथ एडजेक्टिव आए, तो बेटा आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि ये जो दोनों एडजेक्टिव होते हैं ना, ये दोनों एडजेक्टिव होते हैं, याद रखना, बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के सुनो, ये दोनों एडजेक्टिव होने चाहिए बेटा। कौन सी डिग्री में, तो सीडी। सीडी का मतलब क्या होता है सर, सीडी का मतलब होता है बेटा कंपेरेटिव डिग्री। क्या बोला मैंने, कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। आप ध्यान से सुनो सर, ये कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है सर, मोए ना पतो कच्छ, तो कच्छ ना पतो तो समझ लो, कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, ये हमारे पास ना एक एडजेक्टिव जो होता है, ये ऐसा मतलब इंग्लिश के अंदर एक ऐसी चीज है ना जो बहुत पढ़ा लिखा है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है भैया, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है ये, बताता हूं देखो क्या, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव की डिग्रीज, समझिएगा बेटा ध्यान से, हमारे पास बेटा एडजेक्टिव की भी डिग्री है, पढ़ा लिखा आप लोगों से, तुम अनपढ़ हो इसके आगे, एडजेक्टिव बेटा तुम लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा है, यहां तक कि मुझसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा, हमारे एडिटर से ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझे, हमारे एडिटर बड़े भले ही हैंडसम हो लेकिन ये एडजेक्टिव से कम पढ़े लिखे हैं। देखो कैसे, एक एडजेक्टिव होता है बेटा पीडी, शॉर्टकट में लिखा पीडी, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, क्या बोला, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कहते हैं ना बेटा बी पॉजिटिव, ये वही वाला। दूसरा होता है सीडी, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री। अब ये होता क्या है, दो मिनट दो, अभी समझाऊंगा। उसके बाद तीसरा आता है बेटा एसडी, यानी कि बोले तो सुपरलेटिव डिग्री, कौन सी, सुपरमैन वाली, ठीक है, जैसे अभी शक्तिमान आने वाला है ना वैसे सुपरमैन। अच्छा सर, ये पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि भाई ये लड़का बड़ा टॉल है, ठीक है, अभी जो गेट पर खड़ा हुआ है सब गदई, ठीक है, टॉल है, तो हम कहते हैं कि ये गोपी इज अ टॉल बॉय, गोपी नाम है क्या नाम, किशन, किशन इज अ टॉल बॉय, ठीक है, तो हमने कहा कि किशन इज अ टॉल बॉय, तो भैया वो सिर्फ क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, राइट। अब हमने कहा ये बेचारा भाग गया, मतलब मेरी क्लास में कोई भी आ जाए ना बीच में भी, अब मैं उसको ऐसा रोस्ट करता हूँ जरा भग जाता है आधे रास्ते से ही, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये टॉल, अच्छा अब मान लो मैंने कहा कि गोपी जो है वो अपना किससे, ये है रोमियो, मैंने कहा कि गोपियो जो है वो रोमियो से लंबा है, ठीक है, जो गोपियो का है, गोपी का है वो रोमियो से, गोपी जो है वो रोमियो से लंबा है, ठीक है। तो ऐसे में वहां पे मैंने क्या बोला, टॉलर, टॉलर, और फिर आता सुपरलेटिव, यानी कि भैया वो तो सबसे लंबा लड़का है, टॉलेस्ट, ठीक है, मुझसे भी लंबा है, टॉलेस्ट, ठीक है, टॉलेस्ट, बिल्कुल बेटा। अच्छा और आगे बढ़े, अब जैसे मैंने एक वर्ड कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि पूजा सरकार बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, या फिर कह लो श्रुति, श्रुति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, श्रुति बहुत ब्यूटीफुल है, या पूजा, या आप अपना भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, पुष्पा, एक और है बच्ची आई पुष्पा राज, झुकेगा नहीं, है ना, ये ब्यूटीफुल है। अब अगर मुझे ये कहना है कि श्रुति जो है वो कैटरीना कैफ से ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, श्रुति जो है वो कैटरीना कैफ से ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो जरा दिमाग लगाओ, यहां पे श्रुति और कैटरीना कैफ दो पर्सन है, तो जब दो की बात होती है तो कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं। अब सर यहां पे ब्यूटीफुल का क्या बनाएंगे, तो बस क्या लगाओ, मोर बना दो, क्या क्या बना दो, क्या बना दो, श्रुति मोर, मतलब मोर लगा दो उसके आगे, ब्यूटीफुल के आगे मोर लगा दो, मोर बना दो गलत हो, मोर लगा दो, और उसके बाद फिर और आगे बढ़े तो मोस्ट ब्यूटीफुल,
ठीक है, ये वो चीजें हैं जो थर्ड क्लास के बच्चे को नर्सरी में सिखा दी जाती है, ठीक है। लेकिन मैं ये मान करके पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना था, इसलिए मैंने आपको यहां पे थोड़ा डिटेल में मोर और मोस्ट का भी बताया, ठीक है। अब आते हैं और आगे, अब यहां पे आपको क्लियर हो गया, टॉल टॉलेस्ट टॉलेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, चीप चीपर चीपेस्ट, ठीक है, ये सारे जो हो गए ये हमारे कंपेयर डिग्री। अच्छा, कुछ ऐसे होता है जिसमें मोर मोस्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, मोर मोस्ट लगाना पड़ता है, जैसे मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल लगाना पड़ गया हमको, राइट। ये ना सारे सीक्वेंस याद रखा करो। एक मैंने वहां बताया था आपको एडजेक्टिव के टाइम, नाउन पढ़ाते के टाइम में, कि नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, वो भी सीक्वेंस याद रखना, जैसे नेचर नेचुरल नेचुरली, ब्यूटी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, स्मार्टनेस स्मार्ट स्मार्टली, राइट, याद है कि भूल गए, ठीक है, ब्रेवरी ब्रेव ब्रेवली, नेचर नेचुरल नेचुरली, एक्टिव एक्टिवा एक्टिवा वाली, नहीं सॉरी ये लास्ट वाला छोड़ दो, ठीक है। खैर क्लियर हो गया आपको। वो कह रहा सर लड़कों का एग्जांपल ले लो, ले बेटा तुम्हें ही कह दो ब्यूटीफुल, अब फिर कहोगे कि सर जी हम क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं, हद है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि यहां पे सीडी यानी कि कौन सी डिग्री आएगी, कंपेरेटिव डिग्री आएगी। कौन सी डिग्री आएगी पुत्रों और पुत्रियों, कंपेरेटिव आएगी। इज दट क्लियर एवरीबडी, इज दट क्लियर, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो खुशी कितनी अच्छी मिलती है, कितनी ज्यादा खुशी मिलती है कि दैया मोरी मैया मैं को ब्यूटीफुल बोला, बहुत अच्छे सर जी मेरा एग्जांपल ले ले। चलो तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया गया, और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो मेरे क्वेश्चन कहां चला जाता है यार, कहां गया क्वेश्चन, मतलब जब क्वेश्चन नहीं मिलता ना इधर उधर हो जाता है, तो कसम से वो जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो जो नहीं होता है चाबी कहां है, वही वाला फील आता है, क्वेश्चन कहां है, ठीक है, बोर्ड में छुपा रखे हो क्वेश्चन को, वही वाला है। चलो द हायर यू गो द कोल्डेस्ट यू फील, तो देखो द हायर और द कोल्डेस्ट, तो कोल्डेस्ट नहीं होना चाहिए सर्दी, कोल्डर होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर्दी, कोल्डर। अच्छा वो क्वेश्चन को हमने सही किया कि नहीं किया, इसको तो हमने गलती करके छोड़ दिया ना, इसको तो सही कर लो पहले। द मोर यू एफर्ट्स द बेस्ट, बेस्ट लिखा है, बेस्ट को काटो और हो जाएगा बेटर, क्या हो जाएगा बेटर, द मोर यू डू एफर्ट्स द बेस्ट यू सॉरी द बेटर यू गेट, ठीक है, द बेटर यू गेट, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ऋतिका गजब रोस्ट किए, सच में पसंद आया, रुको गुस्सा करता हूं, ये अच्छा था बेटा, पहले हंसी वाला इमोजी भेज रहे हो और उसके बाद ये लाल टमाटर, अब बहुत बढ़िया शाबाश, बिल्कुल लड़के वाली हरकत कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, आगे चले, कोल्डर भी कुछ होता था क्या, अरे बेटे तुम्हें पता ही नहीं हो, कह रही सर कोल्डर भी कुछ होता है। अच्छा सुनो, जब आप सर्दियों के टाइम में डिमांड करते हैं मुझे आइसक्रीम चाहिए, मैं आइसक्रीम चाहिए, चाहे उसके बाद आपके नाक से गंगा यमुना बहती रहे ना, लड़कियों की ना ये बड़ी खास बात होती है, गंगा यमुना बहती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहिए तो चाहिए, हैं चाहिए तो चाहिए। खैर कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट होता है, हाई हायर हाईएस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, चीप चीपर चीपेस्ट, ये इसकी डिग्रीज होती है। अब देखो यहां पर द मोर अपनी जगह ठीक है, यहां पर लेस कैसे लिखा है, फिर द लेसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा लिख लेना, द लेसर। किसी का कोई डाउट है जल्दी बताओ, जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, क्लियर है यस और नो, कंचना क्लियर है, कंचना, अनुष्का, नेहा, पुष्पा, पुष्पराज, ठीक है, अशोक परिहार, किंग, भाई नाम में किंग डाल लिया आपने तो, अरे बेटर क्यों बेटा, गुड बेटर बेस्ट वैसे बनता है ना, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, हाँ लेसर ठीक है, बहुत बढ़िया, नो डाउट। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पुअर नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, एक बार इसके आंसर में मुझे जो भी आपको ठीक लग रहा है एक बार इसका आंसर मुझे बताइए। ये वाला आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है, ठीक है, ये वाला मैंने आप लोगों को पहले एक बार कराया हुआ है, जल्दी से पूजा सरकार आमा के ना दोरकार, जल्दी से एक बार करके बताइए, सर विंटर प्लस फैन ऑन प्लस कंबल, असली मजा तो यही है जिंदगी का, बेटे बहुत बहुत तेज हो रही हो तुम अंकिता, करो करो करो, ठीक है ठीक है, आंसर देते जाओ, और इसने दे दिया आंसर ये, ठीक है, और दिलशाद का आ गया आंसर, श्रुति का, अंकिता का आया आंसर, और अनुष्का, निर्मला, निर्मल बाबा सॉरी, चंदू, हाँ बेटा चांदनी, ये छपरी छपरी लग रहे हैं सारे बच्चे, तो इतनी अच्छी बंगाली कैसे बोल लेते हो,
ये तुम ही लोगों ने सिखाया मुझे, ये है ना एक पगली, क्या नाम है, कौन सी सरकार है ये, पूजा पूजा सरकार भैया। ये एक बार बोली कि ई चोलवे ना, ई ना चोलवे, तो वहीं से मैंने दो चार वर्ड सीख लिए। चलो आप देखो, द पुअर नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, ये मैंने पहले भी एक बार क्वेश्चन कराया है, पहले भी कराया, तो जाहिर सी बात है डाउट आपको आना नहीं चाहिए, फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो आप नालायक। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना। द ब्रेव इज नॉट अफ्रेड, ये तो क्वेश्चन है आगे, खैर कोई बात नहीं, अफ्रेड टू डाई, ठीक है, द ब्रेव इज नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे हमारे पास सेंटेंस में, ध्यान से समझिएगा जरा, द ब्रेव इज नॉट अफ्रेड टू डाई। अब इस सेंटेंस में देखिए हमारे पास द के साथ ब्रेव लिखा है, एडजेक्टिव है, ठीक है, द के साथ, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब द के साथ आपके पास क्या आ रहा है, हाँ एडजेक्टिव आ रहा है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चे, जब हमारे पास द के साथ एडजेक्टिव जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, द के साथ एडजेक्टिव जुड़ जाए, तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, कान खोल के चश्मा हिला के, जब द के साथ हम एडजेक्टिव को जोड़ते हैं ना, और ये सब्जेक्ट का अगर काम करे, क्या काम करे, सब्जेक्ट का, वरना आप ये कहोगे कि सर पीछे भी तो यही था, सर पीछे भी तो यही था, नियम तो वहां पे भी था, तो सर जी वहां क्यों नहीं लगाए रूल, तो मैंने आपको क्या बोला, ध्यान से सुनो, द के साथ एडजेक्टिव आए और एज अ सब्जेक्ट का काम करे, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, ये एक कम्युनिटी को दर्शाता है, क्या करता है, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो अगर ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे वो एक से ज्यादा, यानी कि प्लूरल प्लूरल को बता रहा है, प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि बहादुर लोग मरने से नहीं डरते, द ब्रेव इज नॉट अफ्रेड टू डाई, अभी गलत है फिलहाल, तब मैंने कहा बहादुर लोग मरने से नहीं डरते, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे सिर्फ एक बहादुर की बात नहीं हो रही है, ये वो बहादुर नहीं है, ओ बहादुर पानी ले यार जरा, वो बहादुर नहीं है, ठीक है, जो टीवी सीरियल में पहले के जमाने में आता था ना बहादुर, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे बात आ रही है बहादुर लोग, यानी कि बात ही जब प्लूरल हो रही है तो इज मत लगाओ, प्लूरल कर दो आर, यानी कि बेटा आपने क्या सीखा, ध्यान से सुनो छपरो और छपरियों, कि यहां पे आपने सीखा कि जब द के साथ एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगी ना वो कैसी आएगी बेटा, प्लूरल आएगी, क्योंकि नाउन प्लूरल ही बन गया, ये एक कम्युनिटी को दिखा रहा है तो प्लूरल नाउन बन गया, है ना। जल्दी से बताइए सर, नीड्स होगा, याद आ गया, ये देखो बेटा किसी के पास डंडा है इतना बड़ा, इससे कम नहीं चाहिए मुझे, इतना बड़ा, अभी पिटाई करे जरा इसकी, कौन है, कंचना, कर दे इसकी पिटाई। बेटा नीड प्लूरल होता है कि नीड्स प्लूरल होता है, बताओ, इनको ना कभी मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि मुझे ना इनको एक खीर खिलानी पड़ेगी, इनको खीर, सूर्यवंशम में देखिए ना खीर, वो खिलानी पड़ेगी इनको, कितना भी समझा दो लेकिन इनको याद नहीं रहता, ठीक है। बेटा मुझे ऐसा फील होता है कि ना तुम में से दो चार बच्चों को मैं बुलाऊं कि बेटा आओ तुम्हें अवार्ड दे, आ जाओ तुम्हें मैं ऑफिस में बुलाऊं, यहाँ सामने खड़ा करके अपने हाथों से सूर्यवंशम वाली खीर खिलाओ, ले बेटा खा बाबू खा, ठीक है, और यहीं फैल जाओ। अरे नलायक को कितनी बार सिखाया नीड और नीड, अब वो यहाँ पे गलत आंसर कर रही है पुत्री। चलो ध्यान से सुनो, एक आखिरी बार और बताता हूं, अब अगर आप भूल गए ना तो कसम से गोली मार दूंगा, सुनो ध्यान से, अब नीड और नीड्स वाला जो कॉन्सेप्ट था, कंचना ध्यान से सुनो, तुम हंस रही हो बताओ, तुम्हें यहां हम रोस्ट कर रहे हैं, तुम ही हंस रही हो, खिला देंगे कभी सूर्यवंशम वाली खीर, अब रोते रहना बैठ करके, देखो मेरे को चाहिए खीर, हाँ बेटा आओ तुम आओ, तुम्हें पहला पहला टेस्ट तुम्हें कराएंगे कि बेटा टेस्ट करके देखो। देखो जैसे अगर मैं एक वर्ड कहूं बॉय, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा बच्चों, तो बनेगा बॉयज। अगर मैं वर्ड कहूं गर्ल, गर्ल यानी छोरिया छोरी, तो क्या बनेगा प्लूरल, गर्ल्स। अगर मैं कहूं बुक्स, बुक सिंगुलर, तो प्लूरल क्या बनेगा गुरुजी, बुक्स बनेगा। अगर मैं कहूं टीचर, टीचर, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, टीचर्स। बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलो यस, ठीक है। ये सारे के सारे प्लूरल एस पे खत्म हो रहे हैं, बोलो यस, बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे बढ़ो, सर यहां तक तो क्लियर है, अब इसके आगे की कहानी क्या है वो समझते हैं। अब वर्ब में उल्टा है, वर्ब में उल्टा, यहां एस वाले सारे के सारे प्लूरल थे बिकॉज दे ऑल आर नाउन। वर्ब में उल्टा है, गो का सिंगुलर करेंगे गोस, डू का सिंगुलर करेंगे डज, ईट का सिंगुलर करेंगे पत्थर, सॉरी ईट का ईट्स, ठीक है। और वही अगर नीड का प्लूरल सिंगुलर करेंगे तो नीड्स बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे बच्चों क्या है, ये सारे हैं हमारे वर्ब। तो बस आपको इतना याद रखना है, दिमाग में छाप लो, लिख लो, याद कर लो, या फिर यहां पे गुदवा लो, ध्यान रहेगा। मैंने आपको क्या बोला,
कि बेटा नाउन में एस वाले प्लूरल, वर्ब में एस वाले सिंगुलर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। नाउन में एस वाले प्लूरल, वर्ब में एस वाले सिंगुलर, याद रहेगा? बोलो यस। बेटा ये क्या अंग्रेजी में डाल दिया रोमियो आपने? वाओ अर्नब बंगाली, अरे भैया इसमें इंप्रेस हो रहे हो, पता नहीं क्या बंगाली में मुझे लिख के चला गया। अबे गाली गुली तो नहीं दे दी किसी ने? एक बार कमेंट करके बताओ, कोई बच्चा ट्रांसलेट करके बताओ बोल क्या रहा है वो बंगाली। आवा के ना आश्चर्य बंगाली दादा, ये चोल बिना बंगाली में लिख के भाग गया। अच्छा है भी बेटा, हिंदी में भी लिख दो थोड़ा सा। हाँ एज इसमें हो सिंगुलर होगा। अरे बेटा नाउन और वर्ब भी मैटर करता है, छाप लो। है गो बच्चो, है लाली, है गो, चलो चलो आ गो ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहां देखो, नीड्स सिंगुलर है, नीड प्लूरल है। अब आ जाओ आपके क्वेश्चन पे, कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां है, ये रहा क्वेश्चन। तो देखो यहां पे हमारे पास नीड सिंगुलर है, प्लूरल है, सर ये तो प्लूरल है, याद है कि नहीं है? ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो दा के साथ एडजेक्टिव आ रहा है तो प्लूरल ही चाहिए था, प्लूरल है भी। तो सर जी फिर सेंटेंस में कोई गलती? नो गलती, नो एरर है बेटा, चलन दो गाड़ी आगे। ठीक है, यहां तक तो सारा आपका सही है। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न आया अगला आपके स्क्रीन पे, चलो बिल्कुल सारे के सारे बच्चे एकदम तैयार हो जाओ, कान खोल के चश्मा हिला के और आंसर करना शुरू करो। ठीक है, चलो चलो, अब ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लो। सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? नहीं सर, आपकी क्लास की तारीफ की उसने। अरे क्या तारीफ की, ये तो बता दो, बंगाली में कुछ लिखा है उन्होंने? उसने बोला आमी तुमी के भैंसा भालो भैंसी, है क्या बंगाली में लिख दिया? सर वो बोल रहा है कि आमी तुमी की भैलो भैंसी, मतलब वो आपसे बहुत प्यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, आमी तुम्हें की भालो भाषी, वो वाला क्या? वह भाई गजब, ऐसे तो सारे अपने अपने भाषा में पता नहीं क्या क्या लिख देंगे है? चलो आमी सेम टू यू, ठीक है सर, प्यार बहुत दर्द देता है। कहां पे? नहीं मैटर करता है भैया, कहां दर्द दे रहा है वो भी मैटर करता है। प्यार मुकम्मल हो गया तो कहीं और दर्द देगा, और नहीं हुआ तो कहीं और दर्द देगा, मैटर करता है भैया। नो एड्रेस, चलने दो आगे। चलो 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 चलो, फटाफट फटाफट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश। और सबसे पहले दो नहीं आएगा, क्या बात है, ये पढ़े हुए बच्चे। अगले का भी बताओ, ठीक है डन, ए शाबाश। कुछ बच्चों का तो सही आ गया, बाकी कुछ बच्चे सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये कौन है? प्रगति मैदान, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, कितना गजब नाम है आपका। बाकी बहुत अच्छे, बिल्कुल गलत आंसर है बेटे, बहुत बढ़िया, कोशिश अच्छी है, आंसर गलत है कोई बात नहीं। देखो याद रखो बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश जरूर करना चाहिए मेरी क्लास में, चाहे आपका आंसर गलत आए चाहे सही आए, कोशिश करते रहा करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ थोड़ी बेइज्जती हो जाए अलग बात है, हार नहीं होती लेकिन। चलो अब आंसर पे आते हैं इसके, देखो द मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट, यहां पे बेटा मोस्ट वाला जो शब्द है ना, ये आपका गलत पकड़ लिया, यहां पे मोस्ट गलत आया। देखो कैसे, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, मोस्ट यहां गलत है। इंग्लिश में ना मोस्ट के दो इस्तेमाल हैं, कैसे कैसे यूज होगा ध्यान से सुनिएगा, कैसे कैसे यूज होता है। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस कहा, यहां पे क्या था क्वेश्चन आपका, कितने गया रे, कितने चलिए, कितने चलिए, ये रहा द मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट। ठीक है देखो देखो, she knows the most of my friends, ठीक है, एक और ले लेते हैं, किसका ले एग्जाम्पल, किसका ले हाँ, किसकी ले, चलो इनका, ठीक है ये ठीक है। चलो पुत्री आपका ले लेते हैं, पूजा सरकार कथाइना दौरकार, तो पूजा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल
इन दिल्ली। अच्छा दिल्ली की थोड़ी है, तो वेस्ट बंगाल की है, चलो कोई बात नहीं, वही मान लो। ठीक है, देखो अब यहां पे बेटा मोस्ट के ना दो इस्तेमाल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपको मोस्ट का यूज करना होता है किस सेंस में, ध्यान से सुनना दोनों के दोनों बातें। एक जो होता है बेटा आपका मोस्ट, ध्यान से सुनो, ठीक 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 है। वो कह रहे सर जी मेरा एग्जाम्पल नहीं लिया आपने, मेरा एग्जाम्पल नहीं लिया, मैं जा रही हूं सर जी, मेरा एग्जाम्पल नहीं लिया। ठीक है, तो बेटा कहीं मत जाओ पुत्री, आपका भी एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, आगे भी लेंगे। मोस्ट के दो इस्तेमाल होते हैं, एक तो होता है बेटा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, क्या बोला मैंने, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, जो भी पीछे सिखाया वो वाला। और दूसरा होता है बेटा नंबर दिखाने के लिए, यानी कि एज अ न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, एज अ न्यूमरल फॉर्म, यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव क्वांटिटी बताने के लिए, राइट। ये दोनों बातें, ये इंडेफिनेट में क्वांटिटी बताता है। देखो जैसे मैंने कहा कि भैया पूजा जो है ना वो कतई एकदम मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, बहुत ज्यादा खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसी बात से देखो पूजा खुश हो जाएगी, अरे सर जी पहली बार मेरा एग्जाम्पल लिया अच्छे में, वरना तब तक झाड़ू पोछा लगवा देते एग्जाम्पल में। देखो तो पूजा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव की बात हो रही है, वो भी सुपरलेटिव। और यहाँ पे मीनिंग आ रही है शी नोज द मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि वो मेरे लगभग सारे फ्रेंड्स को जानती है, ठीक है, जानती है, राइट। तो देखो यहाँ पे बेटा हमारे पास दोनों के आगे द लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझना कहाँ द आता है कहाँ नहीं आता। तो याद रखना अगर बात सुपरलेटिव की होती है तो द का लगाना जरूरी है, द आएगा, और अगर बात न्यूमरल एडजेक्टिव की हो रही है तो याद रखना द का यूज नहीं करो, मतलब द का यूज मत करो, नहीं आएगा द वहां पे। क्लियर हुआ, बोलो यस हाँ या ना। तो बेटा आपका जो सेंटेंस में गलती थी वो क्या थी, तो नीचे वाला तो द ठीक है क्योंकि एडजेक्टिव है सुपरलेटिव, लेकिन ऊपर वाला द ये गलत है, ये वाला द ठीक है, ऊपर वाला द गलत है। क्लियर हुआ, बोलो यस, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलो 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 चलो, ठीक है, बाकी बच्चे भी कमेंट कीजिए, ठीक है, कई सारे बच्चे हमारे फेवरेट वाले वो मैं देख रहा हूं कमेंट नहीं कर रहे हैं। फ्रूटी बेटा कमेंट्स कीजिए, अगर आप हैं क्लास में भी और चुपचाप बैठ के क्लास देख रहे हैं तो आप भी कमेंट कीजिए। श्रुति आप भी कमेंट कीजिए, और सुप्रिया, सुप्रिया है कि नहीं क्लास में, सुप्रिया लड़का है, ये मत कहना सर बार बार लड़कियों का ही नाम ले रहे हो, ठीक है। इसके अलावा पुनिया हमारा, प्रवीण, प्रवीण भैया कहाँ हो प्रवीण, हाँ ये तो है सर, आप इनकी भी ले लो मेरी तरह, पूरा लिखा करो एग्जाम्पल, अरे पूजा पूरी बात लिखो। देखो तो यहां पे देखो मैंने आपको क्या बात बोली कि मोस्ट का इस्तेमाल यहां पे दाम नहीं आएगा, यहां दा आएगा। अब आपका प्रश्न 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 ये रहा, यहां पे आया द मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट विजिटेड द ताज, तो यहां पे द काटो, ठीक है, द काट दो। आगे नो अदर, सॉरी नो अदर कह रहा हूं, ये वाला मीरा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल अदर इन दिस ग्रुप, एक बार कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है वाला। फ्रूटी चेंज होकर माजा हो गई ये भी बात सही है, काफी दिन से नहीं आई। चलो चलिए चलिए चलिए, बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत खूब, बहुत प्यारे बच्चे हो, हाँ बेटा बिल्कुल, लव यू टू। मैं जुबीन, शुभम, प्रियांशी, सूरज, अर्नब गोस्वामी, ठीक है, आते जाओ आते जाओ। ये कौन है, स्काउट मोटिवेशन, चलिए बेटा आपको भी लव यू, ठीक है। श्रुति मिश्रा लव यू, ये कैसे कैसे नाम, ठीक है ठीक है। द स्कॉर्पियो लवर, द स्कॉर्पियो लवर 720, अच्छा 7220, मतलब बंदे ने अपने गाड़ी का नाम और गाड़ी का नंबर दोनों डाला हुआ है, डीएलवीएल नंबर भी डाल देते भाई, थोड़ा सा है उसके इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है वो नंबर भी डाल देते, कमाल है यार। एक बार एक बच्चा आया था कमेंट बॉक्स में, उस बच्चे ने पता क्या नाम लिखा था, उस बच्चे का नाम था दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, ठीक है, ऐसा था। अब मैं उसका कमेंट ऐसे पढ़ रहा हूं, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, नाइस क्लास, ओके। उसका फिर दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, सर आपकी क्लास कितने इतने बजे होती है। मैंने कहा यार इतना लंबा लाइन क्यों लिख रहा है, जब उसको इतनी बात पूछनी है कि सर अपना शेड्यूल बताओ, तो इतना लंबा क्यों लिख रहा है। बाद में नोटिस किया भाई तो उसका नाम ही है दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। मैंने कहा भैया ये तुम क्या नाम लिख रहे, कह रहा सर ये मेरा रियल नाम है। मैंने कहा फिर तो तुम्हारे पापा अगर खाना खाने के लिए बुलाए तो ऐसा कहेंगे चिंटू बेटा खाना खा लो, मोनू बेटा खाना खा लो, उसका दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, इतनी देर में तो खाना ठंडा हो जाएगा तुम्हारा,
कल को मान लो तुम्हारी शादी हो जाए, शादी में शादी का कार्ड छप जाए, मान लो है शादी का कार्ड छप जाए तो वहां पे शादी के कार्ड पे लिखा आएगा दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में वेट्स, और उस लड़की का भी नाम खतरनाक होगा, ठीक है, नाचू में आज छन 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 ऐसे करके, नहीं, या फिर ऐसा होगा उसका नाम, ना रास्ता ना मालूम, ना तेरा नाम पता मालूम, टपा टप ऐसे। चलो, मेरा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर इन दिस ग्रुप। अब देखो यहां सेंटेंस में गलती कहां थी उसको समझना, आप लोगों ने बस ए बी सी डी करके तो बताया लेकिन आप लोगों ने एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहे हो, कोई भी ना हिट नहीं कर रहा एग्जैक्ट आंसर पे, ये ए बी करके तो बता रहे हो लेकिन हिट नहीं कर रहा कोई भी, एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहे हो, नहीं मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा इसका एग्जैक्ट आंसर, आगे पीछे का बता दिया आपने, नहीं ना बेटा, ना 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 मैं बताता हूं, देखो यहां पे बेटा हमारे पास मोस्ट ब्यूटीफुल का नाम आ गया, मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, अभी बताया मैंने कि सबसे ज्यादा खूबसूरत मतलब कतई एकदम जहर, उससे खूबसूरत कोई और है ही नहीं, ठीक है, तो यहां पे जब हमारे पास द मोस्ट ब्यूटीफुल की बात आ रही है, जब मोस्ट ब्यूटीफुल की बात यहां पे ऑलरेडी आ रही है तो जाहिर सी बात है वहां पे उस ग्रुप में हमने उसको सबसे ज्यादा ही ब्यूटीफुल का दर्जा दे दिया, ठीक है, जैसे कैसे बताऊं आपको, एक मिनट, जैसे मान लो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, मान लो कि ये क्लास है, ये बच्चे हैं बहुत सारे, ये बहुत सारी लड़कियां हैं, मान लो इनमें से मैंने किसी एक को बोला, इसको मैंने बोला कि मान लो ये कोई पर्सन है श्रुति, मैंने कहा कि जो श्रुति है ना ये सबसे ज्यादा खूबसूरत है लड़कियों में, ठीक है, यहाँ पे लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत यही है, ठीक है, बिल्कुल श्रुति मिश्रा, लो आपका एग्जाम्पल आ गया, श्रुति सबसे ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने श्रुति का नाम बोल दिया सबसे ज्यादा, इसका मतलब यह है कि उसमें बाकियों के मुकाबले मैंने इसको उन सब में से एक को निकाला, सब में से एक को निकाला, मैं अगर ये कह दूं कि ऑल अदर, इसका मतलब पता क्या हो जाएगा, ऑल अदर का मतलब ये हो जाएगा कि यहां पे ना एक दो ग्रुप और बन गए, तो इनमें से छोड़ करके इन वाले ग्रुप में वो सबसे खूबसूरत है, जो कि कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि जब बात पूरे की बात हो रही है तो उसमें ऑल अदर का कोई लॉजिक बनता नहीं है, तो बेटा मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो शॉर्ट में ये समझ लो, शॉर्ट में आप ये समझ लो कि अगर आपके पास सुपरलेटिव की बात आ रही है, अगर आपके पास सुपरलेटिव डिग्री की बात आ रही है ना, तो बेटा यहां पे आपको सीधा ऐसे कहना, मीरा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस क्लास, बस, अदर मदर गदर की कोई जरूरत नहीं होती है, हमेशा याद रखो इस बात को, ठीक है, ये देखो वो खुश हो रही है श्रुति के लिए, ठीक है, याद रखना अदर मदर गदर की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है, उसको यूज करने की कोई जरूरत वहां पे नहीं होगी, जैसा है वैसे का वैसे उतार दो, ठीक है, क्लियर हो गया, जैसे मान लो मैंने कहा द गंगा इज द प्योरेस्ट रिवर, ठीक है, या फिर ये कह लो कि द ओल्डेस्ट रिवर या कुछ भी ऐसा, ऑफ ऑल अदर रिवर्स इन इंडिया, तो ऑफ ऑल अदर की क्या बात है भाई, सीधा ही कह दो कि इन इंडिया, मतलब अदर वदर की जरूरत ही नहीं है, कंपेयर जब हो ही रहा है तो अदर को लगा के फिर क्यों कंपेयर करें, डन। हाँ बेटा अनुष्का, क्या अरे किस बात के लिए भौकाल काट रहे हो, चलिए चलिए, ठीक है बहुत बढ़िया, इतने सारे दिल कौन भेज रहा है ये मुझे, ठीक है, डन, चलिए, वो थैंक यू किस बात के लिए लिखा तुमने श्रुति, थैंक यू लिख रही है, अच्छा यहां सुंदर में नाम लिया इसलिए, चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इतना क्लियर हो गया ना, अगर वहां पे मोस्ट ब्यूटीफुल हो ही गया, सुपरलेटिव हो गया तो उसकी जरूरत नहीं है फिर, ठीक है, अच्छा इसलिए रो रही है वो कि अनुष्का सर मेरा एग्जाम्पल नहीं ले रहे, अच्छा पक्का, अपने एडिटर की कसम, अगला एग्जाम्पल आपका, ठीक है, भूल जाऊंगा तो समझ लेना कि एडिटर गया, खत्म, टाटा, खत्म, बर्बाद, गया, गुड बाय। चलो द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज एज चीपर एज सोलर एनर्जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या टाइम ले इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे देखो अब ले ही लेते हैं इनका एग्जाम्पल, वरना जो है हमारा एडिटर जो है खर्च ना हो जाए बेकार में, जैसे मैंने कहा, अरे क्या नाम था, वरना मैं नाम भूल जाऊंगा फिर एग्जाम्पल रह जाएगा, रोती रहेगी वो बेचारी, है क्या नाम था उसका, चलो अनुष्का, मान लो हमने कहा कि अनुष्का इज एज टॉलर एज प्रिया ताकी, साखी माखी जो क्या है, जो भी है, नाम नहीं पढ़ पाया पूरा मैं, अच्छा ठीक है,
तो एज प्रिया, चलो पूरा नाम नहीं इतना ही ले लेते हैं प्रिया। आप देखो यहाँ पे हमारे पास अनुष्का इज एज टॉलर एज प्रिया, तो यहाँ पे बेटा समझिएगा ध्यान से, जब हमारे पास एज एज सो एज सो दैट या कुछ भी इस तरीके का टू 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 फॉर ऐसे करके अगर आपके पास कोई भी मतलब पेयर वाले कंजंक्शन आ रहे हैं तो उसके बीच में आपका एडजेक्टिव आएगा, आ रहा है ना, तो ये टॉलर गलत है, क्या होगा टॉल होगा, यानी कि इसके बीच में जो एडजेक्टिव आएगा डिग्री आएगी वो कंपेरेटिव वाली सॉरी पॉजिटिव वाली डिग्री आएगी। आपने सुना होगा एज सून एज पॉसिबल, सुना है कि नहीं सुना, बोलो यस, एज सून एज पॉसिबल, कभी भी ये नहीं सुना होगा आपने एज सूनर एज पॉसिबल, कभी सुना है ऐसा, ये कभी नहीं सुना होगा, ये सुना होगा आपने एज सून एज पॉसिबल, कभी ये नहीं बोलते एज सूनर एज पॉसिबल, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, डन। ओछे आदित्य ने कितना अच्छा डायलॉग मारा सर, दिल से बुरा लगता है जब आप योग्य हैं और कोई आपकी योग्यता ना समझे, इसलिए आप मेरा भी एग्जाम्पल लीजिए। अच्छा बेटा पुत्र कोई बात नहीं, तुम टेंशन लो, आपका एग्जाम्पल आगे ले लेंगे। देखो तो यहाँ पे एज चीपर एज, तो एज चीपर नहीं होगा एज चीप एज होगा, क्या होगा एज चीप एज, ठीक है, जैसे आप लोग एज चीप एज, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, डन डना डन, बहुत बढ़िया खेला होबे। चलो आगरा द थ्री लास्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, अरे टाइम भी यार, टाइम का पता ही नहीं चला आज तो, टाइम का पता ही नहीं चलता कतई, मतलब आप लोगों को ना पढ़ाते पढ़ाते टाइम का मालूम ही नहीं पड़ता कि टाइम कब खत्म हो गया, मालूम ही नहीं पड़ पाता कि टाइम कब खत्म हो गया, कितनी जल्दी जल्दी टाइम भागता है। नहीं खैर अभी आज मैंने दूसरे स्टूडियो से क्लास ली है कुछ अर्जेंसी की वजह से, उस क्लास में क्लास चल रही थी दूसरी, तो मुझे दूसरी क्लास में आना पड़ा, तो यहाँ पे अभी एक दूसरी क्लास होने वाली है, तो इसलिए आज मुझे अभी क्लास को यहाँ रोकना पड़ेगा, कल की क्लास में हम इसको खत्म करेंगे, राइट, आसान आसान सा पार्ट और बचा हुआ है दो चार, तो एक क्लास और लगेगी एंड देन इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इस क्लास को रोकते हैं क्योंकि इसकी पीडीएफ वगैरह भी कन्वर्ट करनी है, चेंज करनी है, फिर आपको मुझे आपको पहुंचाना भी है, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज आपको कराएंगे, ठीक है। श्रुति मिश्रा थर्ड लास्ट, देखो आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया, चलो, अरे वाह 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 वाह, वालो बंगाली बोले छन खाओ बालो, अरे क्या लिखते हो आप, फिर मैं आपको ना बाहुबली वाली भाषा में बात करूंगा, फिर अम्डा मुस्तंगुला ऐसे करके, नहीं फिर मैं ऐसे इस तरीके से बात करूंगा ना तो आप लोग परेशान हो जाओगे। हाँ सर आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है, मम्मा एंड हम दोनों बहुत हंसते रहते हैं। अच्छा चलिए, आपकी माता जी को प्रणाम, है ना, आपकी माता जी को दोनों हाथों से प्रणाम, दिल से प्रणाम, ठीक है, धन्यवाद कंचना जी, आपकी माता जी को प्रणाम, ठीक है, खुश रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और हाँ आज की क्लास में जुड़ना ना भूले कोई भी बच्चा, आज रात 10 बजे आप जितने भी आपके यार दोस्त भाई बंधु जितने भी छपरा छपरी हैं, ठीक है, जितने भी जैसे ये एक है छपराइन हमारी पूजा मतलब कुछ नहीं ऐसी बोला मैंने नाम, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे जुड़िएगा जरूर रात 10 बजे की क्लास में, आज संदीप सर लेकर के आ रहे बहुत ही शानदार क्लास, और इसके जस्ट बाद क्लास होगी किसकी, तो इसके बाद होगी आपके प्यारे फेवरेट मनीष सर की क्लास, जो कि बहुत ही शानदार क्लास आपको देते हैं, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद जय भारत।